सो फाइनली दोस्तों, जिस दिन का इंतजार सभी टेक एंथुसियास्ट्स और आईफोन लवर को रहता है, उसका लॉन्च इवेंट फिनिश हो गया है, जो कि नए आईफोन 12 का था। इस इवेंट में एप्पल ने अपने चार नए आईफोन को इंट्रोड्यूस किया है, आईफोन 12 एंड 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस बार हमें सभी आईफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में मिलेंगे, तो ये सभी फोन फ्यूचर प्रूफ भी बना दिए गए हैं। इसके अलावा इनमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है और इनकी प्राइस क्या होने वाली है इंडिया में, सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हो गई है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 12 एंड आईफोन 12 मिनी की। आईफोन 12 में हमें 6.1 इंच का HDR सुपर रेटिना डिस्प्ले मिलता है, जबकि आईफोन 12 मिनी में 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें कि आगे नॉच मिल जाती है। तो आईफोन 12 में हमें कोई भी सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं दी गई, क्योंकि सुपर AMOLED डिस्प्ले और 5G कनेक्टिविटी होने से आईफोन की बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए उन्होंने सुपर AMOLED डिस्प्ले की जगह पर 5G कनेक्टिविटी को इस्तेमाल किया है। वहीं इन दोनों फोन में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम मिलने वाला है। इसके अलावा इस बार आईफोन का डिजाइन सेम आईफोन 5S जैसा है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पसंद आता है, और फुल बॉडी मेटल के फ्रेम में बनी हुई है, तो फोन की बिल्ड ऑफ क्वालिटी काफी जबरदस्त मिलने वाली है। वहीं ये पहले आईफोन से काफी ज्यादा लाइटर और थिनर भी है, और इसमें 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हमें आईफोन XR में दिए गए थे। बाकी इसका डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ना बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें हमें वर्ल्ड का सबसे पावरफुल A14 बायोनिक चिपसेट मिल जाता है, जो कि सच में काफी कमाल की परफॉर्मेंस देने वाला है। ये चिपसेट 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो गेमिंग वगैरह करने के लिए अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट डील रहेगी। वहीं A14 बायोनिक चिपसेट में 5G कनेक्टिविटी मिलती है, विद वाईफाई 6 का भी सपोर्ट दिया गया है, तो इंटरनेट की स्पीड काफी कमाल की मिलने वाली है, साथ में नेटवर्क कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा इनमें हमें 64GB, 128GB और 256GB स्टोरेज दी गई है। नाउ बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर इसके बैक में डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, जो कि हमें सेम आईफोन 11 में भी मिलते हैं, जिसमें कि 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस f2.4 एपर्चर के साथ में आता है, और एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, जो कि f1.6 एपर्चर के साथ में आता है। वहीं इसके फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरा हमें सेम वही सब मिलते हैं जो कि आईफोन 12 में दिए गए थे, बट इमेज क्वालिटी में थोड़ा बहुत आपको चेंज जरूर देखने को मिलेगा। वहीं इस बार आईफोन से रिकॉर्डेड वीडियो में डॉल्बी विजन साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, जो कि सबसे पहले किसी फोन में इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा आप इससे 4K 60fps पर वीडियो, स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो, नाइट मोड, स्मार्ट HDR 2x ऑप्टिकल जूम जैसे कैमरा फीचर यूज कर सकते हैं। वहीं हर बार की तरह बैटरी कैपेसिटी का तो पता नहीं चल पाता एप्पल की डिवाइस में, बट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इस बार नहीं देखने को मिली है, यानी कि इस बार QI वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसको मैक्सेफ वायरलेस का नाम दिया गया है। इसके अलावा लाइटिंग केबल टू USB टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाएगी आपको इसके बॉक्स में, बट बॉक्स में आपको चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलने वाला। जैसे कि रूमर्स आ रहे थे वो कन्फर्म हो गए हैं कि इस बार हमें कोई भी बॉक्स में चार्जिंग एडेप्टर नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें हमें डुअल सिम, वाईफाई 6, वाईफाई कॉलिंग, 5G कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ 5.0, NFC, वायरलेस चार्जिंग, फेस अनलॉक और सभी तरीके के सेंसर इसमें मिल जाते हैं। बात करें इनके प्राइस की, तो आईफोन 12 मिनी की स्टार्टिंग प्राइस 70,000 रुपीज के आसपास है, वहीं आईफोन 12 की स्टार्टिंग प्राइस 80,000 रुपीज है। और अब बात कर लेते हैं आईफोन 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स की। आईफोन 12 प्रो में हमें 6.1 इंच का डिस्प्ले और आईफोन 12 प्रो मैक्स में हमें 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले है, जिसमें कि अगेन नॉच डिजाइन देखने को मिलता है, और इसकी भी बॉडी में हमें स्टेनलेस स्टील मिल जाता है, जिसमें कि ब्लू, सिल्वर एंड ग्रेफाइट कलर ऑप्शन दिए गए हैं। वहीं बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इनमें भी हमें A14 बायोनिक चिपसेट मिलता है, जिसके साथ में 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज दी गई है। बात करें इन फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर हमें अगेन ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, जो कि आईफोन 11 प्रो में भी मिलते हैं, बट इस बार एक LiDAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एप्पल ने अपने आईपैड में भी किया था। इससे कैमरा काफी अच्छे से डेप्थ ऑफ फील्ड को जज कर पाएगा और बेटर इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी, साथ में AR और VR एप्स का भी काफी अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। वहीं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नासा ने अपने मार्स मिशन में किया था, जो कि सच में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। बात करें इसके कैमरा लेंसेज की, तो यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड f2.4 एपर्चर मिल जाता है, वाइड सेंसर f1.6 एपर्चर का मिलता है, और एक 12 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला टेलीफोटो लेंस दिया गया है। वहीं टेलीफोटो लेंस में f2.2 एपर्चर भी मिलता है, जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में दिया गया है। इसके अलावा इसमें भी हमें 4K 60fps पर वीडियो, स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो, नाइट मोड, HDR मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट फोटो तक क्लिक आप कर पाएंगे। वहीं इनमें भी हमें सेम मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग और लाइटनिंग केबल टू USB टाइप सी मिल जाती है। बात करें इसके प्राइस की, तो आईफोन 12 प्रो की स्टार्टिंग प्राइस 1,19,900 रुपए है, वहीं आईफोन 12 प्रो मैक्स की स्टार्टिंग प्राइस 1,29,900 रुपए है। तो बस दोस्तों, ये थी आईफोन 12 की सभी कंफर्म फीचर और स्पेक्स। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग इनमें से कौन सा फोन लेने वाले हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।